हे गाइस, दिस इज़ योर बॉय हमजा। सो टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा वीडियो का। यूनिवर्सिटी और हॉस्टल की मैं आपको विज़िट करवाऊंगा और इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ दिखाऊंगा। सो अभी तो मैं हॉस्टल से बाहर निकला हूँ। एज यू कैन सी द बिल्डिंग लाइक इस तरह से दिखती है कुछ, और यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ दिखाऊंगा जाके आपको सारा कुछ, यूनिवर्सिटी का क्या सीन है, कैसे है, लाइक बिल्डिंग कैसी है, और मतलब उनका सारा जो है इंटीरियर एक्सटीरियर लाइक किया। सो यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ अभी। तो मैंने सोचा यार क्या मैं अभी अलहदा से वीडियो बनाऊँ, पहले हॉस्टल की बनाऊँ फिर मैं यूनिवर्सिटी की बनाऊँ, तो वाई नॉट कम्बाइंड। ओके, सो मैं लाइक टुगेदर उनको पुट करूँ और एक ही दफ़ा दिखा दूँ यूनिवर्सिटी का और हॉस्टल का भी जो है वीडियो। सो तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं शुरू करूँगा यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ से। लाइक दिस इज़ द स्पोर्ट्स बिल्डिंग। ओके, तो इनसाइड जिम है और भी काफ़ी कुछ है, बट मैं अभी गया नहीं हूँ ड्यू टू कोविड, इट्स लॉक्ड। सो अगर थोड़ा सा हम साइड पे जाएं तो यहाँ पे आपको ग्राउंड नज़र आएगा लाइक फ़ुटबॉल के लिए या फिर रनिंग के लिए, और इवन के लोग यहाँ पे जॉगिंग कर रहे हैं इन द मॉर्निंग टाइम एज़ यू कैन सी ऑल्सो। और जब स्नो नहीं होती है गर्मियों के मौसम में तो सीन्स कुछ ऐसे होते हैं। जो यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है फुटबॉल ग्राउंड, बहुत ही लाइक ब्यूटीफुल मैन। और यहीं पे कुछ एक्सरसाइज मशीन्स हैं लाइक एज यू कैन सी। सो आई डोंट नो इनको कैसे यूज़ करते हैं। साथ ही में आपका है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पीछे। तो रोज़ाना थोड़ी सी वॉक, थोड़ी सी एक्सरसाइज, लाइक इट्स गुड फॉर हेल्थ यू नो। अब सामने ही आपको जो मेरी यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल है वो उसकी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी लाइक 1, 2 एंड 3। अब जो सेंटर में बिल्डिंग है वो जो मेरा है डॉर्म है, और लाइक 12 फ्लोर्स हैं यहाँ पे। तो सब कुछ यार मतलब बाहर से यार बहुत लाइक ब्यूटीफुल दिखती है। तो अब चलता हूँ मैं यूनिवर्सिटी की तरफ। सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, सो लेट्स वॉक। चलो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। सो यूनिवर्सिटी के बाहर मैं पहुंच गया हूं, और एज यू कैन सी द बिल्डिंग मतलब, और साइड पे जो हैं वो काफ़ी और भी बिल्डिंग्स हैं। तो जो है अपना हर डिपार्टमेंट का अलहदा से बिल्डिंग है। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द मेन बिल्डिंग। आई थिंक ये फाइनेंस की बिल्डिंग है, और यहाँ पीछे भी है। और यार मतलब देखो पूरी ये शीशे की बनी हुई है, और लेवल की इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर लाइक सो ब्यूटीफुल। So I will try to go inside the classes. I am not sure मैं अंदर जा पाऊँगा नहीं, but मैं आपके लिए पूरी try करूँगा। So let's go inside. So here I am finally in the main building. जो main building है university की, जहाँ पर हमारी classes होती हैं, हमारे lectures होते हैं, उस building में आ गया हूँ मैं। वैसे entry तो नहीं है, but मैं आ गया हूँ किसी ना किसी तरीके से। अब मुझे किसी ने देख लिया तो यार मेरे लिए problem हो सकती है। So चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको इधर उधर घुमाता हूँ और दिखाता हूँ क्या है अंदर से कैसे है। और मैं ये भी कोशिश करूँगा अगर तो कोई क्लास का जो दरवाज़े हैं को ओपन हुए, या कोई भी मतलब मुझे ऐसा मिला कि ओपन हुआ कोई भी डोर, तो मैं अंदर भी आपको दिखाऊंगा कि कैसा है अंदर से, लाइक डेस्क एंड चेयर्स एंड दैट्स ऑल, लाइक सिटिंग एरिया कैसा होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए अब लेक्चर रूम के अंदर चलते हैं। ओप्स, डोर तो लॉक है यार। एनीवेज मैं जो दूसरा रूम है वो ओपन करने की कोशिश करता हूँ। शिट मैन, ये भी लॉक है। हे गाइस, सो मैं यूनिवर्सिटी से बाहर आ गया हूँ यार। आई मीन एंट्री है ही नहीं बिल्कुल, और मुझे पता है कि मैं अंदर कैसे गया हूँ, लाइक इलीगल वे में गया हूँ, ठीक है, छुप छुपा के। किसी को मैंने लाइक कोई नोटिस नहीं होने दिया कि मैं अंदर हूँ भी नहीं, लाइक मैं खामोश था काफ़ी। सो एज़ यू कैन मतलब देखा भी आपने कि मैंने जितने भी लॉक्स लाइक क्लासेस ओपन करने की कोशिश की, लाइक क्लास लैब्स या फिर ऑडिटोरियम, मतलब सब बंद थे यार, लॉक थे वो ड्यू टू कोविड यू नो। So I'm sorry, so maybe next time मैं आपको दिखा पाऊँगा लाइक
अंदर से, बट इट डजेंट मैटर यार, कुछ सीट्स होती हैं, कुर्सियाँ होती हैं और प्रोजेक्टर होता है और बाकी आप खुद ही अपने आप से अंदाज़ा लगा लें कि कैसा होता होगा रूम। बाकी बिल्डिंग जो है मेन चीज़ वो है, लाइक यू कैन सी, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। सो हियर, यहाँ पे हमारे पास है यूनिवर्सिटी का कैफ़े, मतलब यहाँ पे चाय पानी और छोटा मोटा बिस्किट इस तरह से, लाइक ब्रेक्स और एवरीथिंग। या सो गाइस, मैंने यूनिवर्सिटी की जो है आउटसाइड एंड इनसाइड भी दिखाने की कोशिश की। लाइक आउटसाइड तो मैंने पूरा दिखाया और इनसाइड जस्ट क्लासेस लाइक मैं नहीं दिखा पाया, लाइक मैंने आपको रीज़न पहले ही बता दी। और अब मैं जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ, अपने डॉर्म की तरफ, अपने रूम की तरफ, जिसमें मैं दिखाऊंगा लाइक किचन, वॉशरूम, लाइक बेड्स कैसे हैं और छोटी मोटी फैसिलिटीज़ जो रूम के अंदर ऑलरेडी हैं। ओके सो लेट्स सी। तो ये मैं रूम में पहुंच गया हूं। अब कुछ ऐसा दिखता है साइड से, ऊपर से, नीचे से। साइड पे ही आपके पास एक शेल्फ है यहाँ पे, जिसमें मतलब पोर्शंस बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने मतलब लास्ट पोर्शन में अपने शूज़ रखे हुए हैं और ऊपर वाले में कुछ फूड स्टफ। और इधर ही साइड पे आपके पास पड़ा हुआ है फ्रिज, तो ये बढ़िया अच्छी फैसिलिटी दी हुई है इन्होंने, मतलब गर्मियों में आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक या दूध ठंडा सब कुछ मिलेगा। अब ये साइड पे ही आपके पास अलमारी है, अरे अलमारी को क्या कहते हैं इंग्लिश में यार, भूल गया, एनीवेज छोड़ो। ये आपके पास मतलब स्पेस है, आप कपड़े रख सकते हैं इसमें। अब मतलब जो मेन यूज़ है इसका वो आप कपड़े रख सकते हैं इसमें। और थोड़ा सा आगे आएँ तो यहाँ पे आपके पास टेबल है और चेयर भी है जो प्रोवाइड की हुई है यूनिवर्सिटी ने। टेबल में आपके पास मतलब वो ही काफ़ी पोर्शंस हैं टेबल के अंदर, उसमें आप चीज़ें रख सकते हैं। ड्रॉ है ये, लाइक पेन, आपकी डायरीज या फिर नोट्स, जो भी आपने रखना है, लैपटॉप कुछ भी आप रख सकते हैं इसमें, अपनी पर्सनल चीज़ें। और अगर तो आप लकी हैं तो आपको ये मिलेगा प्यारा सा व्यू देखने को आपके रूम के बाहर से, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें मतलब इस तरह का व्यू नहीं मिला है, लाइक इस तरह का रूम बिल्कुल भी नहीं मिला उन्हें, बट फॉर्चुनेटली लकीली मुझे मिल गया और मैं ये व्यू इन्जॉय भी करता हूँ। चलिए आपको विंडो खोल के दिखाता हूँ कि व्यू कैसा आता है। सो, इसी तरह ये व्यू कुछ ऐसा नज़र आता है जब शाम हो जाती है, इन द आफ्टरनून, मतलब लेवल का व्यू है, सो मच ब्यूटीफुल, लाइक सनसेट और साथ ही स्नो और दरख्त, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है यार। और जब अंधेरा हो जाए तो रूम से बाहर का व्यू कुछ ऐसा होता है, सीन्स कुछ ऐसे होते हैं। अच्छा, आपके पास बेड तो होता ही है एक, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि बेड के नीचे काफ़ी और भी स्पेस होती है, जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है, आप मतलब उसमें काफ़ी और भी अपनी चीज़ें रख सकते हैं। वैसे मैंने बेड के नीचे काफ़ी गंद डाला हुआ है तो इग्नोर करना यार। और यहाँ पे एक और आपके पास फैसिलिटी है, वो है आपका एयर कंडीशनर एंड हीटर, लाइक कम्बाइंड है दोनों। फॉर एग्जाम्पल आपकी गर्मियाँ हैं, लाइक गर्मियों का सीज़न है, तो जो एयर कंडीशनर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, और जब सर्दियों का सीज़न आता है तो वो भी ऑटोमेटिकली हीटर ऑन हो जाता है। तो मतलब काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है ये भी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइडेड, जो कि ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी की डॉर्म में होती है। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अपने किचन की तरफ, जो कि मेन कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का कि हम बनाएंगे कैसे, खाना कैसे बनाएंगे, तो जो भी है। सो, यहाँ पे आपके पास वाटर सिस्टम है, आप अपने डिश वगैरह मतलब बर्तन वगैरह साफ करेंगे, और साथ ही आपके पास आपका स्टोव है, जो जहाँ पे आपने अपना फूड है जो भी गर्म करना होता है, खाना पकाना होता है, मतलब पूरा ऑटोमेटिक है, आप लाइक टच सिस्टम है ये पूरा। और नीचे ही आपके पास ओवन है, मैंने कभी यूज़ तो नहीं किया है, सो आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, बट जिनको यूज़ करना आता है, गुड न्यूज़ फॉर यू। सो, हर किचन में व्यू भी आ रहा होता है आउटसाइड का, सो, अपना खाना वगैरह भी बनाओ और व्यू भी इंजॉय करते जाओ साथ साथ। और हर किचन में इम्पोर्टेंट नोटिस भी लगा होता है कि अपने सफाई वगैरह इस तरह से जो भी रूल्स होते हैं, तो उन्हें भी पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा अगर आप फाइन से बचना चाहते हैं। एक और फैसिलिटी है जो कि टेरेस है, वो जो कि हर पोर्शन में होती है। अब ये है कि आपके अगर रूम में व्यू नहीं आ रहा, ठीक है, विंडो का, या धूप नहीं आ रही है सर्दियों में, तो आप टेरेस पे आके मतलब थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं, आप बाहर का व्यू ले सकते हैं। छोटा सा टेरेस बना होता है ये, यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है कि जो गाइस होते हैं स्मोक करने वाले, ठीक है, स्मोकिंग करनी हो जिसने,
तो वो यहाँ पे आते हैं मोस्टली छुप छुपा के, क्योंकि जब रूम में होते हैं वहाँ तो फिर स्मोकिंग कर नहीं सकते, ना ही अलाउ है यूनिवर्सिटी के अंदर, नहीं अलाउ। सो यहाँ पे आके छुप के, तो यू नो समझ लो यार खुद ही। सो ये है आपका वॉशरूम, यहाँ पे आपने मतलब फ्रेश होना है और शॉवर लेना है वाट एवर। आपके पास साथ ही वॉशरूम है और एक बीच में लाइक डिवाइडर लगा हुआ है, और साथ ही आपके पास शॉवर है जहाँ पे आप मतलब शॉवर लेंगे। सो यहाँ पे आपको मैं अब दिखाता हूँ लॉन्ड्री। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी एक मशीन है, लाइक पूरी ऑटोमेटिक है, आपको इसको खुद यूज़ करनी होती है। नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपने मतलब अपने कपड़े वॉश करने होते हैं, और जो ऊपर वाला पोर्शन है आप देख रहे हैं ये है आपका ड्रायर, जिसमें आपने मतलब अपने जो कपड़े हैं वो वॉश करने के बाद अगर सुखाने हो तो ये उसके लिए यूज़ होता है। इसको यूज़ करने के लिए बस आपको ये यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक जगह बनी हुई है, एक सुराख है छोटा सा, वहाँ पे आपने कॉइन डालना है, सिक्के डालने हैं वो जो कि 2 यूरो या फिर 3 यूरो होते हैं। और यहाँ पे आपने पाउडर डालना होता है, वो आपको मार्केट से मिलेगा, जेल टाइप पाउडर होता है जिसे आप मतलब सर्फ कहते हैं। Hey guys, welcome back. So, यार मैं अभी आ गया हूँ, काफ़ी थक गया हूँ यार, और मैंने फिर आपको दिखाया यूनिवर्सिटी के आउटसाइड, यूनिवर्सिटी का इनसाइड, हॉस्टल का आउटसाइड, हॉस्टल का इनसाइड के क्या है, कैसे है और क्या है छोटी मोटी फैसिलिटीज़, मैंने सब कुछ दिखाई आपको। और सो डोंट वरी यार, मतलब ठीक है, मतलब बिल्कुल सफाई है और सब कुछ मेंटेन है और अच्छी भली फैसिलिटीज़ हैं, सब नीट एंड क्लीन है। और एक और बात, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब आपकी लाइक ये विल्नस यूनिवर्सिटी में जो मेरा डॉम है, ये मत समझना कि जो आपकी कोई और यूनिवर्सिटी, अगर आप और यूनिवर्सिटी में जाने हैं लिथुनिया में, तो वहाँ सिस्टम और होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो जितने भी जो हॉस्टल्स होते हैं या यूनिवर्सिटी के डॉम्स होते हैं, रूम्स होते हैं, उनकी फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उनकी बिल्डिंग्स, उनका स्ट्रक्चर, उनका जो है सारा कुछ, बिल्डिंग का जो जितना भी है मैनेजमेंट निज़ाम, तो वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस, आई थिंक सो इट्स इनफ। तो मैं भी नाश्ता कर लूँ यार, तो कल मिलते हैं ना।